हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि DVR को NVR से कैसे जोड़ते हैं। अभी बहुत सारा मुझे कॉल आ रहा है कि सर DVR को अगर कहीं एक जगह रखा हुआ है, दो DVR उसको एक जगह मर्ज करके एक LED TV पे देखना है तो कैसे हम करें। फॉर एग्जांपल चार चैनल का दो दो DVR है और उसके लिए उसको दो मॉनिटर चाहिए, फिर या फिर HDMI 1 या HDMI 2 करके चलाएंगे हम, या फिर 8 चैनल का कोई भी DVR हो तो दो उसके लिए फिर वो बदलना नहीं चाह रहा है, एक ही LED पे 16 का स्क्रीन देखना चाह रहा है, दो DVR हो तो उसके लिए करना क्या होगा। ये बहुत ही ड्यूरेबल है, आप 80 मीटर 90 मीटर तक आराम से इसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Cat 6। इसमें कोई कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही ड्यूरेबल है। मेरा ये टेस्टेड किया हुआ है, मार्केट में बहुत सारा चीज़ आया हुआ है कि कन्वर्टर वगैरह, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है। वो 2 महीना 1 महीना 20 दिन में ख़राब हो जाए कोई नहीं जानता है, तो ये ड्यूरेबल है, आप एक बार करके देखिए। ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैंने दिया है। सबसे पहले करना है क्या है आपको कि ये मैंने DVR लिया है आपको, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है, कोई भी आप मॉडल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें 4 चैनल 8 चैनलों की पार्टिकुलर ही है, ठीक है। इवन डैश है इसका मॉडल है ये, ठीक है। और NVR आपका मैंने 32 चैनल का लिया है, ठीक है। हमारे पास ये 32 का अवेलेबल था तो मैंने 32 चैनल का अभी हमने NVR लिया है, ठीक है। उसका मॉडल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये मॉडल है हमारा CP-UNR 4K 4-3-22-V2। ये हमारा मॉडल है। करना क्या है कि इसको अब कैसे ऐड करवाना है। फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास में है, तो करना क्या होगा आपको कि अगर ये ऑफलाइन है तब मैं बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपका DVR का लैन केबल लगेगा, नॉर्मली ये जो आपका देख रहे हैं केबल, जैसे ये कैमरे केबल लगाया है वैसे ही 8 का 8 पोर्ट हमारा कैमरा, आप मान लीजिए एग्जांपल है, अब ये भरा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको आपने हटा दिया, नॉर्मली ये आपका DVR हो गया एक सेट, ठीक है। उसके बाद हम लैन केबल लगाएंगे और जहाँ पे हमें देखना है, ठीक है, वहाँ पर हम NVR रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे 2 DVR रखा हुआ है अलग अलग लोकेशन पे है तो दोनों जगह से वायर ऐसा आएगा, तो ये 2 वायर हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद एक स्विच लगा दीजिएगा आप, यहाँ पर दोनों स्विचेस में चले जाएंगे आपके। ये हमारा स्विच है अपना, तो मान लीजिए ये 2 DVR का रहेगा, 1 DVR और, तो ऐसा ऐसा लाइन केबल 2 आ जाएगा आपका। तो करेंगे क्या, एक लाइन केबल यहाँ लगा देंगे कोई भी पोर्ट में, कैमरा और लगा देंगे और एक लाइन केबल निकाल करके सीधे हम NVR में अंदर डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, इसको इसमें हम इसमें लगा देंगे तो ये कनेक्टिविटी हो गई हमारी DVR से NVR की, ठीक है। अब उसके बाद सारे कैमरे को ऐड कैसे करवाना है, क्योंकि इसका, ठीक है, तो वो करना क्या होगा आपको, जैसे नॉर्मली आपने कन्फिगर कर दिया तो ऐसे आपको दिखेगा, राइट क्लिक कीजिएगा आप, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में जाइएगा या फिर ऐड IP कैमरा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, या ऐड IP कैम का ऑप्शन आएगा या रिमोट डिवाइस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका IP आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन में जाइए। और यहाँ पे नॉर्मली अभी रिसर्च कर रहा है ये देखिए, ये DVR की IP है हमारा, इस DVR की IP, ये DVR जिसमें हमने लगाया है उसका 240 है। इसको क्लिक कर करके, और अगर डायरेक्टली ऐड करवा देंगे तो एक कैमरा ऐड होगा, ऐड ठीक है, और मैनुअल ऐड पे कराएंगे तो इसका जो IP है 240.1.240, ठीक है। यूजर नेम एडमिन इसका DVR का है, और पासवर्ड जो है ये DVR का डालना है आपको, यहाँ पे NVR का नहीं डलेगा, यहाँ पे DVR का है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आपका है चैनल नंबर और रिमोट चैनल नंबर, ठीक है। अगर जितने चैनल का DVR है, मैं एक IP की बात कर रहा हूँ, 240, ये 8 चैनल का है तो यहाँ पे 8 का बना दीजिए, ठीक है। रिमोट चैनल नंबर जो आप यहाँ पर है ये आपका, और इसको सेट कर दीजिए, ये ऑलरेडी हो गया हाईलाइटेड यहाँ पर, उसको ओके कर दीजिए, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी क्या होगा, ये कैमरा हमारा दिखे चल गया, कैमरा हमारा, ठीक है।
ये तरीका है, ये देखिए सब में डिवाइस ऑफलाइन है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। अगर कैमरा लगा हुआ होता तो सारे में आ जाता है। आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे सेम टाइम दोनों में है, सब मैच कर रहा है। एक ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, अभी एक ये लैन केबल है मान लीजिए किसी और डिवाइस का लगा हुआ है, इसको मैं निकाल करके और मैं इसे लगाता हूँ, ये कहीं और डिवाइस लगा हुआ है हमारा, तो उसको भी अगर आईपी सर्च कराएंगे तो इसी तरीके से आपको वहाँ पर जैसे ये सर्च कराते हैं तो वहाँ पे दो आईपी सर्च करेगा एक बार में, ठीक है। ये देखिए ढेर सारा लगा हुआ है, अब आपको ये ऐड करना है आपको कैमरा, इसको डिलीट कर दीजिए सारे को आप, ये हमें ऐड करवाना है, ये हमारे डीवीआर का आईपी है, इसको हमने मैन्युअली ऐड करवा दिया, 1222 इसका आईपी था, ठीक है। पासवर्ड इसका ठीक है, 8 चैनल का डीवीआर वो भी है, 8 चैनल हमने लगा दिया है, ठीक है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है, इसको सेट कर दीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। अभी देखिए कुछ डीवीआर आपके चलने लगे होंगे, ये है तरीका है ऐड करने का डीवीआर को एनवीआर से। इस तरीका से 2 डीवीआर यूज करना है आपको, 3 डीवीआर, तो आप 80 मीटर 90 मीटर तक आराम से इसको ले जा सकते हैं। अगर स्विचेज और लगाना है बीच में तो आप एक स्विच लगा करके आप 125 मीटर तक आराम से, 150 मीटर तक आराम से ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये था ओवरऑल वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी आपको कोई कॉल करे, कोई आपका एंड कस्टमर हो या ऐसा ही हो, तो आप उसको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उसको बताइए कि ऐसे भी चीज़ें होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।